सोनौली से गोरखपुर की यात्रा हम कर रहे हैं और यात्रियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के तहत वोट करेंगे। चलिए यात्रियों के बीच चलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट देंगे? वोट देने के मुद्दे सर बहुत हैं। आपके क्षेत्र में क्या काम है? हमारे क्षेत्र में सर रोड विकसित हुआ है और व्यवसाय में भी बहुत सहयोग मिला है, बहुत कुछ है। क्या भैया क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ है? बहुत हुआ है। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के आपके शहर से मुख्यमंत्री हैं जी। कितना काम हुआ? अरे बहुत काम हुआ है, आवास मिला है, हर चीज़ का सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर ही लोग खुश हैं। क्या भैया, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, कहाँ जा रहे हैं? कुलई। कुछ पहले से कुछ विकास हुआ है? हम बहुत बीमार थे, अभी अस्पताल से आए हैं, 4-5 महीने में कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो 10 सालों में कुछ दिखा कि नहीं बदलाव आपको? अब चल रहे हैं गाँव पे तो देखेंगे। अच्छा, गाँव चलेंगे तो देखेंगे विकास हुआ है कि नहीं। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? रानीपुर। रानीपुर जा रहे हैं। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, मतलब यही रोड का सुधार हो रहा है। सांसद जी ने कितना काम किया? कौन है सांसद आपके? हमारे सांसद जी ने कोई काम नहीं किया है। कौन है सांसद? पंकज चौधरी। मंत्री भी हैं? हाँ, मंत्री भी रह चुके हैं और सांसद भी मतलब रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार हैट्रिक मारेंगे कि नहीं? जिस तरह का उनका मतलब अपने क्षेत्र में काम का वो है, तो काम तो कभी किए ही नहीं है। काम नहीं किए? नहीं। नाराजगी है? नाराजगी मतलब हमारे मतलब क्षेत्र से उनके तरफ बहुत नाराजगी है। क्या भैया, क्या कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, उधर तो विकास हुआ है। कितना बदलाव है? अब हम नहीं रहते घर पर, तक कैसे बताऊँ। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, कहाँ से आ रहे हैं? जी बहराव से आ रहे हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले? धानी बाजार के। धानी बाजार से। हाँ, कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ हमारे क्षेत्र में। क्या आपके क्षेत्र में क्या विकास? रोड का जब प्रगति हुआ है, मकान बन रहा है लोगों का, विकास क्यों नहीं? विकास तो हुआ है। विपक्ष कह रहा है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी। तब महंगाई बढ़ गया तो किस सरकार महंगाई नहीं क्या रोक देंगे? क्या विपक्ष वाले रोक देंगे? किसी का सरकार बनेगा महंगाई नहीं रोक पाएंगे, महंगाई बढ़ेगा दिन प्रतिदिन। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। 1 तारीख को वोट पड़ेगा, वोट तो देंगे। हाँ, वोट देंगे। क्या मुद्दे होंगे? वो उन लोगों का भाग्य किसके पक्ष में जाएगा? मुद्दे क्या होंगे जब देखा जाएगा, पहले क्या बताया जाएगा मुद्दे क्या होंगे? विकास हुआ है, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे उस समय तय करें। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं? कैम्बियरगंज। कैम्बियरगंज जा रहे हैं। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? हम इधर कैम्बियरगंज के पास। हाँ, विकास हुआ है आपके क्षेत्र? पहले से तो काफ़ी अच्छा है विकास। पहले जिस तरह का रोड भी नहीं होता था, अभी तो मतलब पहले से बहुत सही है। विकास हुआ? क्या भैया, कहाँ के रहने वाले? मैं नेपाल के हूँ। नेपाल के हूँ। नेपाल से? कहाँ जा रहे? असम जा रहे हैं। असम जा रहे हैं। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? कहाँ? इधर का उधर का? इधर असम का? नहीं, यहाँ पे मैं आता जाता नहीं हूँ। तभी साल बाद हो गया, तकरीबन 2 साल के बाद। दो साल पहले हम लोग उधर से जाते थे। यो आप रहते हैं असम में, वहाँ कितना बदलाव? वहाँ पे बदलाव हो रहा है। हा? पहले से ज़्यादा हो रहा है। पहले से हो रहा है, हुआ बदलाव हो रहा है। नेपाल के रहने वाले हैं, असम जा रहे हैं। कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही हूँ। कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? हाँ जी। तो यहाँ कुछ बदलाव दिखा है आपको पहले से? मैं तो पहली बार आई। तो आपके क्षेत्र में कितना बदलाव है? हो रहा है, अभी साए जी कर रहे हैं साए हो रहा है काम। हाँ जी। क्या भैया, एक युवा क्या सोचता है? भैया बदलाव हुआ है कि नहीं? हाँ, बदलाव तो हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव हुआ है। हरियाणा। हरियाणा से? हाँ। तो कितना काम हुआ है? अभी तो पहले भी सही हुआ है। मैं 6 साल से नहीं रह रहा इंडिया में, 6 साल से इंडिया में नहीं हूँ। अच्छा, बाहर थे? हाँ, बाहर थे। कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, पहले से काफ़ी बदलाव है। बदलाव दिख रहा है, अभी ये बाहर से आ रहा है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया,
कहाँ जा रहे हैं? हम फतेहपुर जिला जा रहे हैं। पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, पहले से बदलाव क्यों नहीं है, बदलाव है। कहाँ के रहने वाले? हम फतेहपुर जिला है, मेरा कानपुर फतेहपुर। फतेहपुर कितना बदला आपका काम? काफी परिवर्तन हो गया है। यहाँ पहले भी आए थे आप? पहली बार आए? नहीं, यहाँ तो मैं 5 साल से रह रहा हूँ। कितना बदलाव हुआ है? काफी परिवर्तन में है पहले से। बदलाव हो रहा? हाँ, बदलाव है, होता रहेगा। बदलाव है और होता रहेगा। चलिए ठीक है, कुछ और यात्री हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? गोरखपुर की यात्रा कर रहे हैं। हाँ हाँ, गोरखपुर जा रहे हैं। कितना बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव तो बहुत हुआ है जानिए, ऐसे जिला स्तर पे और देश स्तर पे देखा जाए तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारे बांस गाँव क्षेत्र में जो है वहाँ के सांसद जी हैं वो उतना काम नहीं कर पाए हैं जानिए। योगी जी से और मोदी जी से तो बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत काम किए हैं। आपके क्षेत्र में सांसद ने काम नहीं किया? सांसद से ना, सांसद जी आते ही नहीं है। 15 साल पहले आए थे जैसे गांव में मुलाकात की है, लेकिन अब जो है नहीं आते हैं। भाजपा के नाम, वो जैसे भाजपा के नाम पे मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। इस बार भी वो जीतेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, वो अपने नाम पे नहीं जीतते हैं वो। क्या भैया क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि अब मोदी या योगी जी के नाम पर वो भी जीतेंगे, नहीं तो झांकने नहीं आते हैं। सुरक्षित सीट है, बहुत कम आते हैं। और क्या विकास हुए आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए? विकास क्या, रास्ता रोड तो बनी रहा है, बनी गया है, लेकिन ये नहीं जाते हैं। सांसद जी से नाराजगी है? वो पब्लिक उधर की नाराजगी, हम लोग भाजपाई हैं पुराने, लेकिन सुनने में यही आता है कि पब्लिक इस बार नाखुश है उनसे, सांसद से। सांसद से नाखुश? जी, सांसद से नाराजगी है लेकिन काम हुआ है। हाँ, और कुछ युवा बैठे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कितना, कहाँ के रहने वाले? सर कानपुर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, और काफ़ी 70 साल का बिगड़ा हुआ बदलाव जो है आज 10 साल में काफ़ी सही हो गया है। 80% सही हो गया, 20% बचा हुआ है, क्योंकि आने वाले 5 साल में 350+ आओगे, मोदी जी की सरकार बन रही है, जिससे कि जो है अपना फाइनल हो जाएगा। 20% जो बचा हुआ है बस काशी और मथुरा का मुद्दा जो भी है, अब की बार 5 साल में क्लियर हो जाएगा। विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। लाइट का गाँव में नहीं था, हफ्ते में चलती थी, नाइट डे चलता था, तो अब आज 24 घंटे में 22 घंटे लाइट मिल रही है। रोड क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, अच्छा खासा बदला हुआ है। शायद 17 साल का बिगड़ा हुआ 10 साल में बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है और विकास होगा। क्या बाबा, कहाँ जा रहे हैं? कुल्ही जा रहे हैं, महाराजगंज के रहने वाले, महाराजगंज जिला कुल्ही के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपके सांसद जी ने कितना काम किया? ये सब अभी सांसद जी कोई खास काम तो नहीं किए, रोड वगैरह बस बन रहा है, और क्या, पुल वगैरह का सुधारकरण हो रहा है। और क्या लगता है, सांसद जी इस बार हैट्रिक मार लेंगे कि नहीं? अब ये नहीं बता सकते, क्लियर नहीं हो रहा है अभी। हा? अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए, उम्मीद है कि हो जाएंगे। क्षेत्र में आपके कितना विकास हुआ? क्षेत्र में विकास है, पहले से कुछ बेटर है। पहले से बेहतर है? हाँ, पहले से बेहतर है। देखिए चलिए चलिए चलिए, माता जी कुछ बोलना चाहिए। क्या माता जी, क्या बोल दिए? झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कूड़ा उठाने वाला कोई फेंकने वाला नहीं है। विकास हो या ना हो, जब सड़क पर झाड़ूए नहीं लगेगा तो क्या विकास है? सांसद जी ने कुछ काम किया ही नहीं। अब हम तो बाहर निकलते नहीं हैं, जो अपने सामने देखते हैं वही कह दिए। महाराजगंज से? महाराजगंज से नहीं, हम कुल्ही के रहने वाले हैं। हाँ, हमारा बेटा है वहीं वहीं रह रहे हैं। कुल्ही के रहने वाली हैं, महाराजगंज की, और सबकी अपनी अपनी अपने अपने मुद्दे हैं। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। गोरखपुर जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। कितना विकास हुआ है गोरखपुर? विकास तो हुआ है, बहुत हुआ है, भाजपा ही निकलेगा अभी। काम हुआ है? काम हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ? काम तो हुआ है, कई काम हुआ है। उधर एक स्कूल भी बन रहा है बड़ा सा, जो मघिया के पास में नहीं स्कूल बन रहा है, डिग्री कॉलेज, और कई काम सड़क वड़क हुआ है, बहुत बना है। क्या बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। अच्छा, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत विकास भइल बा। हाँ? बहुत विकास भइल बा। का भइल बा? अरे, फोर लेंथ बना के एकदम 16-17 हज़ार रुपया डिसमिल जमीन देता था, रेट लगा के देना है। हाँ? 170-180 के जमीन मिला था, कहीं एको डिसमिल के वो खरीद नहीं पावा था। क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? अरे, जे के मने खोई बनबे करी।
चलिए कुछ और यात्रियों और यात्रियों के बीच चलते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कहाँ जा रहे हैं? डूरापुर भैया। महाविछपरा। महाविछपरा महावीर छपरा के जी। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? सर हमारे यहाँ विकास ही विकास हुआ है। क्या सोचते हैं ये युवा क्या सोचता है चुनाव में वोट देने के लिए, क्या मुद्दे होंगे इस बार? सर मुद्दे यही होते हैं, आर्मी विकास के लिए होता है, नौटली के लिए सोचता है युवा नौटली के लिए सोचता है कि भाई नौटली मिले नहीं। इस सरकार में प्रॉपर विकास हुआ है लेकिन नौटली के पर्पज देखा जाए तो थोड़ा कम युवा उठले नहीं तो सीधे से आता है कि ये युवाओं का देश है जी। तो युवा क्या सोचता है सर? विकास तो हुआ है, विजन पर बड़ा है, लूट बदला हुआ है, डोरापुर का हमारे उत्तर प्रदेश का बदला हुआ है नहीं सर। नौटली के सेट में था जाए तो टूस्टम है। क्या भैया क्या कर रहे हैं? वही वो अपने नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है उनके सब बारे में बोल रहे हैं। हम गोरखपुर से हैं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ बहुत विकास हुआ है, योगी जी का देन है कि बहुत विकास हुआ है गोरखपुर में। हम भी बहुत विकास का लाभ मिला कि नहीं? हाँ मिला, क्यों नहीं, मकान मिला, मकान है प्रधानमंत्री जी से, और फिर शौचालय का भी 15,000 मिला, 12,000 सब मिला ही, बाकी राशन तो मुफ्त मिल ही रहा है और क्या चाहिए। खुश है? खुशी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और खुश है। कुछ और यात्री हैं क्या बाबा? कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज से हैं। कितना विकास है महाराजगंज में 10 सालों में? विकास क्या हुआ, थोड़ा बहुत विकास हुआ है और बच्चे सब जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख करके बच्चों का कोई विकास नहीं हुआ, सब पढ़ लिख करके बेकार है। और हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ाओ, हम नौकरी दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, लेकिन नौकरी की लालच में बच्चे एकदम बेकार हो गए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। सांसद जी ने कुछ विकास किया कि नहीं आपके क्षेत्र? हाँ सांसद कुछ विकास किए हैं महाराजगंज में, सांसद जी ने काम किया। हाँ क्या लगता है प्रधानमंत्री काम करेंगे? अब तो ये समय ही बताएगा कि कौन बनेगा, इसका हम क्या कह सकते हैं। वोट देने के लिए कुछ मुद्दा होगा ना? अरे मुद्दा है तो वो देखिए किधर मुद्दा वो जाता है बाबू। विकास वोट देने में किधर, देखिए किधर जाता है वो। अब क्या भैया क्या कह रहे हैं ये? हम बाहर। अच्छा बाहर से हैं, चलिए आप बात नहीं करेंगे। कुछ और आधी आबादी बैठी है उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ की रहने वाली? देवरिया। देवरिया से हैं। कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? तो बीजेपी के प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी देवरिया में, देवरिया की बात करें तो सांसद जी ने कितना काम कराया? अब जो कराए हैं वो अच्छा ही है, बस अब हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि महंगाई थोड़ा कम हो, कि हम लोग कम कमाने वाले आदमी को कुछ लाभ मिले। कुछ आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ? हम लोग के एकदम कॉलोनी में है शहर में, तो हम लोग का मतलब ठीक है। विकास हुआ। क्या भैया कहाँ के रहने वाले? हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह मुंबई। मुंबई से यह हम आए थे इधर घूमने के लिए, मेरा रिश्तेदार है इधर, उनके पास आए थे और हम उधर से वोट दे चुके हैं। हम मोदी सरकार को, हमारा वोटिंग हो चुका है वहाँ 20 तारीख को। विकास हुआ कि नहीं? अब एक विकास तो बहुत हो गया बम्बई में। विकास हुआ वो है।